हेलो दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पिक्सल आर्ट से कैसे आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम वो पिक ले लेंगे जो हमें एडिट करनी है, तो मैं ले लेता हूँ पिक। और इस वाले ऐप्स में फोटोशॉप में चले जाएंगे उस फोटो को लेके। तो यहाँ पे हम वो फोटो ले लेंगे, तो ये यही फोटो ले लेता हूँ। इसको हमें अपने हिसाब से कलर सेट कर लेना है, तो मैं ये कलर सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कर देंगे इसको नेक्स्ट और कर देंगे इसको सेव। ठीक है, उसके बाद हम अपना पिक्चर ओपन कर लेंगे। प्लस के निशान पे वो फोटो ले लेंगे जो हमने पहले, हम यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो फोटो ले लेंगे। उसको मैं घुमा लेता हूँ। अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। इसको मैंने सेट कर लिया, उसके बाद इसको कर देंगे ओके। फिर से हम दूसरे एक फोटो ले लेंगे जो हमें लगानी है, तो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद इसको कटआउट पे ओके करेंगे और यहाँ से इसका पीएनजी बना लेंगे। पीएनजी बन गया। उसके बाद इसको जो भी इसमें कमी हो वो ठीक कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, ये जैसे स्केचेस में कमी, उसको थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ये भी अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद सिंपली हमें इसको इसके हिसाब से सेट कर लेनी है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छे लगने लगे, इसको कर देंगे से सिंपली। उसके बाद यहाँ पे हम जिसके लिए हमें डीपी बनानी है उसका नाम डाल देंगे, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ नाम। तो मुझे डीपी बनानी किसी लिए नहीं है फिलहाल, तो मैं ये डाल देता हूँ धीरू। उसके बाद यहाँ से फोन चेंज कर लेंगे, जो फोन हमें ठीक लगे वो ले लेंगे। तो मैं ये वाला फोन ले लेता हूँ ये। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे इतना सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें कलर भर देंगे, तो मैं रेड ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक में वाइट लाइन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको करना है हमें सेव। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है ऐड फोटो पर क्लिक और उसके बाद अपने जो पीएनजी टेक्स्ट लगाने हैं वो ले लेंगे। तो मैं इनमें से अपना पीएनजी ले लेता हूँ। ये दो लगा देता हूँ, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको लगा देता हूँ। नहीं दूसरा, और इसके बाद सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। और उसके बाद फिर से मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे और यहाँ पे धी छोड़ के एच ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एच कलर करना है। सिंपली इसको करेंगे छोटा, रखेंगे एच को और वो फोन सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने लिया था। तो मैं ये ले लिया था, ये आ गया। उसके बाद इसको कर लेंगे जूम।
उसके बाद इसको कर लेंगे जूम। और इसको अच्छे से सेटअप कर लेंगे। इसमें भी हम कलर भर लेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, अच्छे से हो गया। उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। उसके बाद फिर से हमें करना है टेक्स्ट पे क्लिक। अब ले लेनी है हमें आई। उसके बाद इसमें भी वही सेटअप फॉलो करना है। यहाँ पे भी वो फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ये फोन ले लिया। अब सिंपली फिर से इसको कर देना है जूम। यहाँ से इस पे भी कलर कर देना है कोई दूसरा, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे। अब सिंपली इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ये भी हो गया अच्छे से सेट। उसके बाद इसको भी कर देंगे। उसके बाद सिंपली ऐसे ही क्लिक करके चारों सेटअप ले लेंगे। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ इनको। भी कर देता हूँ कलर, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये कलर इसको भी कर देता हूँ जल्दी सेटअप। ये भी हो गया अच्छे से सेटअप। इसको कर देंगे ओके। उसके बाद लास्ट में फिर से यू ले लेता हूँ। अब यू ले लिया है। उसके बाद इसको भी बस लास्ट सेटअप कर देता हूँ। उसके बाद इस टाइप से इसको भी फॉलो कर देंगे। इसके बाद इसमें कलर ले लेता हूँ येलो। उसको भी कर देंगे ओके। इसको उसके बाद फिर से करना है इसको इफेक्ट्स ओके। और यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट पर क्लिक करके यहाँ से लाइट कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से इसको कर देते हैं इसको सेव। उसके बाद क्या करना है हमें, फिर से इफेक्ट्स पे ओके करना है। एचडीआर पे कर देना है क्लिक और यहाँ से अपने हिसाब से इसको सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको जहाँ ज़्यादा लगे वहाँ से कम कर दें।
उसके बाद कर देना इसको सेव। सिंपली अब इसको जाना है, अगर सेव कर लेंगे ये अब काफ़ी अच्छी डीपी बन चुकी है एचडी में, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाई वैसी बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे ओके करके इसको 1 पिक्सल कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़ोटो एचडी में ही सेव होगी। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव और अभी गैलरी में दिखा देता हूँ आपको भी। तो ये लिए मैं अपने आगे फाइल मैनेजर को यहाँ पर दिखा देता हूँ फ़ोटो को। तो ये रही देखिए मेरा फ़ोटो, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो।